हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए है और आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट। कि मैं आज देखना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है उसमें क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो देखते हैं कि आज मतलब कुछ चीज़ में बदलाव आया है क्या, क्योंकि 20 जून से मतलब कल से जुपिटर रेट्रोगेट हो चुके हैं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिशन होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा असर करते हैं हमारे लाइफ पे। तो मतलब इसी मैं अंधविश्वास की नहीं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा एक साइंटिफिक एंगल भी होता है इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ते हैं इमोशंस, रिश्ते और ओवरऑल हमारी खुद की लाइफ पर भी। तो देखते हैं कि इस चीज़ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन पे है उसका असर क्या पड़ रहा है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे उनकी। डेस्टिनी, कॉम्प्लेसेंसी, विक्टिम। Balance, facade, insecurity, and perception, and bottom of deck है completion। और actually देखा जाए तो ये जो दो cards है अगर आप देखेंगे तो वो दो कार्ड में ही सिचुएशन है उसका अंदाज़ा आता है कि कंप्लीशन है, एंड हो रहा है, एंड हो चुका है या होने वाला है। तो तीन चीज़ें हैं, मतलब जैसे सिचुएशन हर एक की डिफ़र कर सकती है या सिचुएशनल में ये चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कार्ड निकल के आए हैं आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेसेंसी एंड कंप्लीशन आया है। एनर्जी क्या है डेक की कि कंप्लीशन, कि वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, वो सिचुएशन निकल चुकी है, निकलने वाली है, वो चीज़ है। और आप देखेंगे कि कॉम्प्लेसेंसी मतलब एक रिग्रेट होता है ना, ये खो गया या हो गया, ये जो चीज़ है ना वो चीज़ नज़र आ रही है। विक्टिम का कार्ड है तो खुद को बेबस लाचार समझ रहे हैं, क्योंकि शायद आपके पास आने का चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। कि जैसे कि कुछ लोगों में माँ बाप की सिचुएशन होते हैं तो अपने माँ बाप को मना नहीं कर पाते क्योंकि माँ बाप इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है तो इमोशनल जो ब्लैकमेल करती है तो एक अपने अंदर ही एक लाचारी और बेबसी फील होती है कि मतलब डिसीजन ले तो क्या ले उनकी। लेकिन इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है कि कुछ आगे मतलब मेरे हाथ से कुछ निकल ना जाए। ये जो इनसिक्योरिटी है ना कि लाइफ में कुछ खो ना दूँ वगैरह, वो सब चीज़ के इनसिक्योरिटी भी बहुत बढ़ रही है। और अगर देखेंगे कि क्वेस्ट और डेस्टिनी, जैसे कि वो सवाल पूछने हैं भगवान से या अंदरूनी से, मतलब कि एक अंतरात्मा से भी एक सवाल पूछते नज़र आ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या और इसका मुझे मतलब क्या सोल्यूशन मिलेगा, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। और पूरी तरह नसीब पे विश्वास, पूरी तरह कि भाई जो भी अभी करेंगे वो भगवान ही कर सकते हैं, वो सब चीज़ों में नज़र आ रहे हैं। और बैलेंस बना के रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहले मतलब शायद जैसे मैंने कहा कि पहले झुकाव आपका था रिश्ते में, अभी वो
आपकी तरफ झुक रहे, ऐसा फील हो रहा है कि बैलेंस हो रहा है रिश्ते में, या फिर हर चीज में ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपको भी कैसे संभाला जाए, कैसे आपको एटलीस्ट मतलब कुछ होने तक, वो कुछ डिसीजन लेने तक आपको वो खो ना दे या कुछ नहीं कर पाए, इसके लिए हर चीज़ करने की कोशिश बहुत चल रही है। तो वो बैलेंस मुझे बहुत नज़र आ रहा है। और चेहरे पे बोले ना, चेहरे पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, चेहरे के पर कुछ नहीं दिखेगा कि ऐसा कुछ लाइफ में चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कुछ भी ऐसा कुछ दिखने का तो कोई स्कोप नहीं लग रहा है, क्योंकि चेहरे पे पूरी तरह नकाब है कि जो भी लाइफ की सिचुएशन है, उथल पुथल चल रही है, दुख है, कुछ है, तो वो कुछ चेहरे पे नज़र नहीं आ रहा है। और लेकिन आपकी तरफ परसेप्शन बहुत चेंज हो रहा है कि मतलब जैसे आपके लिए बहुत हल्के में लिया था या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था ना, वो परसेप्शन है ना बहुत चेंज हो रहा है कि बहुत ही, अभी मैंने जैसे कहा कि अगर आप सेल्फ लव की पोजिशन में है, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में लाते हैं, तो मतलब आप अपनी अपनी ही वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, तो वो वैल्यू वो समझ पा रहे हैं। पहले हर चीज़ में आपको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे, हाँ भाई ये कहाँ जाएगा या कहाँ जाएगी, ऐसा वाला जो चीज़ था ना वो बदल रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि परसेप्शन अब चेंज हो रहा है हर चीज़ के लिए। लाइफ मतलब परसेप्शन चेंज होना मतलब ग्रोथ की निशानी होती है कि हर चीज़ के लिए परसेप्शन है। आप देख रहे हैं बटरफ्लाइज दिख रहे हैं वगैरह, तो जिन लोग को ऐसा ना बटरफ्लाइज दिख रहे हैं वगैरह, तो समझिए कि आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ या अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो ये है। और एनर्जी तो समझ ली हम लोगों ने उनकी, कि जैसे सेक्रल चक्र डेक से तो एनर्जी समझ गए होंगे आपकी कंप्लीशन की है, होने वाली है या इस प्रोसेस में है। और अभी देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफंट, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट सेवन ऑफ सॉर्ड, द वर्ल्ड, और बॉटम डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी सारे केसेस में लोग मैरिड हो सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और कार्ड्स की एनर्जी बता दूँ, लगा दूँ मैं तो
फाइव पेंटिकल्स और जो फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे ऐसा लग रहा है। और जो इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है ना, वो भी वही नज़र आ रहा है कि इनसिक्योर बहुत हो रहे हैं हर चीज़ के लिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है, बट समाव मुझे वाइब आ रहा है ना, इनसिक्योरिटी का वाइब आ रहा है। और है ना, ऐसे आपसे भाग रहे ना, ऐसे फील हो रहा है, भाग रहे आपसे, ये फील हो रहा है। या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो निकल के आना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, वो भी एक सिचुएशन हो सकती है, तो वो एक फीलिंग है। या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो उनसे छुपा के, मतलब उनसे भाग रही है, वो भी एक फीलिंग हो सकता है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि हमारे जब हालात ठीक नहीं हो तो सामने वाले भी अपना साथ छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, या साथ जब अपने तारे गर्दिश में हो तो सामने वाले भी छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि एट ऑफ कप्स है, एट ऑफ कप्स है कि जैसे कि छोड़ के जा रहे हैं, या तो वो छोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको छोड़ रही है, या तो वो इस सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो इंसान सब कुछ होते हुए भी निकलने के कगार में है कि बस अभी हो गया, बस हो गया, अभी ये सब चीज़ें नहीं, मुझे कुछ अलग या हायर पर्पस चाहिए, तो वो इसके लिए। और जैसे मैंने कहा कि इनसिक्योरिटी है, बहुत ही इनसिक्योरिटी बढ़ रही है कि मतलब भागे भागे आ रहे हैं आपके पास, वैसा फीलिंग है बहुत आपके पास, भागे भागे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब एक बता ना, एक एग्रेशन की एनर्जी है कि मतलब कब 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 हो जाए वो, एक मतलब इनसिक्योरिटी। क्योंकि कुछ केसेस में अगर आपको खोने का डर इतना अगर ज़्यादा हो ना, तो बहुत ही डेस्परेशन मुझे, मतलब बहुत ही उतावलापन मतलब बहुत नज़र आ रहा है मुझे। और अगर थ्री ऑफ कप्स पकड़े तो या तो वो दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी हो, या दोस्तों के साथ बिजी हो, बट अगर मैंने कल भी कहा कि वो ये रीयूनियन का कार्ड मुझे फील होता है, तो ऑब्वियसली आपके साथ रीयूनियन करने, रीयूनाइट होने की पूरी संभावना है। तो कल भी यही कार्ड निकला था, तो हो सकता है कि एनर्जी कंप्लीट हो कि ये यही ऐसा हो। और जैसे कि मैंने बोला ना, बैलेंस का कार्ड आया है, तो बैलेंस चाहते हैं रिश्तों में, अभी बैलेंस चाहते हैं। आपका ही देना 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 था, अभी आपका ही झुकना था, अभी वो मतलब परसेप्शन चेंज हो रहा है आपके बारे में, आपके बारे में जो ख्यालात थे वो अभी चेंज हो रहे हैं, तो वो सब वजह से आपकी तरफ अभी झुकना बहुत बढ़ रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है। और अगर आप देखेंगे फोर ऑफ पेंटिकल्स वगैरह है, तो ऐसा लग रहा है कि या तो मतलब उनको कोई छोड़ के गया है, या फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उस चक्कर है, मतलब बहुत मतलब फाइनेंशियल या इमोशनल लॉस बहुत फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना, दुखद अवस्था की एकदम लॉस सिचुएशन बहुत फील हो रही है। और फोर ऑफ कप्स है अगेन, ये भी मतलब देख रहे हैं आप कि वो इंसान जो अपने पास है और ये भगवान देना चाहता है, वो देख नहीं पा रहा है, इतना वो कंडीशन में है, तो वो देख नहीं पा रहे कि भगवान ने उनको क्या दिया था, वो नहीं देख पा रहे। तो वो सब इधर यही नज़र आ रहा है कि जैसे कि मैंने कहा कि एट ऑफ कप्स है, वो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे एंड। और सबसे बड़ा कार्ड है मेरे लिए, वो है द वर्ल्ड, जो कहता है कि किसी की कार्मिक साइकिल कंप्लीट होना। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकता है कि इंटरनेट पे मिले हो तो वो है, और या तो फिर आप में मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, मतलब कंट्री का डिफरेंस हो आप में, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मुझे अगर ये सिचुएशन, मुझे सिचुएशन में कनेक्ट करना है, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी वो कार्मिक साइकिल जो थी, अगर वो रिश्ता उनके लिए कार्मिक इन द सेंस कि वो कर्मा से जुड़ा था, कि मतलब वो ये कर्मा था उनका, तो वो कंप्लीट होते मिल रहा। जैसे कि दो कार्ड निकले थे, एनर्जी में भी वही था कि कंप्लीशन की एनर्जी थी, तो ये यहाँ पे भी है कि वो मुझे कंप्लीट हो जाए, कार्मिक साइकिल जो एंड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि नई साइकिल अभी चालू होगी वो अच्छे कर्मा की, लेकिन अभी वो जो चीज़ थी वो कंप्लीट होते हुए भी नज़र आ रही है। तो या तो किस सिचुएशन में हो चुकी है, या हो रही है, या होने वाली है, इन प्रोसेस है सब कुछ। वह अगर कार्ड की एनर्जी पता चल तो वो सिचुएशन एंड में नज़र आ रही है मुझे, कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से कार्ड निकले हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है आपके लिए, डेस्परेशन बढ़ रहा है,
या तो वो आपसे भाग रहे या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से भाग रहे या तो फिर थर्ड पार्टी उनसे भाग रही है, लेकिन चीजें यूनाइट होते हुए कहाँ पे नहीं दिख रहा है, यूनाइट होते हुए सिर्फ एक ही जगह पे दिख रही है। तो वो है मतलब अगर सिचुएशन में देखा जाए तो अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है वो यूनिटी क्यों चाहेंगे, वो यूनाइट होना चाहेंगे तो आपके साथ होना चाहेंगे ना, क्योंकि वो साथ में होंगे तो अलग चीज हो जाता था। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से मतलब अगर आप देखेंगे तो वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ रही है। और ये मैरिज का भी कार्ड है तो बहुत लोग मैरिड भी हो सकते हैं, मतलब जैसे मतलब किंग ऑफ पेंटेकल्स भी आए तो वो सब सिचुएशन है, लेकिन कार्मिक साइकिल तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। और अगर आप समझते हैं कि अगर मैरिड है कोई इंसान तो मैरिड है और स्पेशली बच्चे हैं तो उनको वहाँ से निकल के आना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो अगर कार्मिक साइकिल है तो वो कंप्लीट ही होके रहेगी। तो वो मतलब वो समाव सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो सकते हैं कि जब हो जाए, बट अभी हम किसी के लिए कुछ न बुरा सोच रहे हैं न बुरा चाह रहे, जो है आप मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हर चीज़ ना यूनिवर्स पे छोड़े। अगर आपके चीज़ में आपके नसीब में आपके रिश्ते ये रिश्ता लिखा है तो वो कैसे भी कंप्लीट होगा, सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि चीज़ें तो हवा में तो सब कुछ है लेकिन आप उसके अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप में मतलब जैसे मैंने हमेशा बोल रही हूँ कि अगर वो लोहा है तो आपको मैग्नेट बनने की ज़रूरत है, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर हावी थी तो आपको इतना अपने आप को काबिल बनाना है कि आप अपने डिसीजन खुद ले लें। वो इंसान आपके पास आएगा ना तो डिसीजन फिर भी आपका होना चाहिए कि मुझे इंसान को अपनाना है या नहीं है, इतना आपको काबिल बनना है कि डिसीजन अभी आपके हाथ में हो। क्योंकि ये हो सकता है कि अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो हमेशा सिचुएशन मान लीजिए कि बाय लक बाय भगवान की दया से वो वापस भी आ जाएंगे, लेकिन ये हमेशा साइकिल चलती रहेगी। तो वो आपको सोचना है कि ये साइकिल है ना वो मतलब वो ख़त्म कैसे करें, लाइफ के प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे लेकिन ये रिश्तों का जो सेपरेशन होना बिछड़ना टूटना वगैरह ये सब कंप्लीट कैसे हो जाए या ख़त्म कैसे हो जाए वो आपको फिक्स करना है। और वो हीलिंग से होता है, आपके अपने सेल्फ मतलब वाइब्रेशन से रेज करने से होता है। तो वो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने आप में काबिल पहले बनना है, मेंटली इमोशनली फाइनेंशियली हर जगह से, कि डिसीजन लेते वक्त आप में कुछ भी कमी ना रहे, आप में अपने आप में बहुत ही सिक्योर फील हो कि ये अभी मेरा डिसीजन है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। तो ये आप पहले सोचे। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। एपिफानी, सीक चैरिटी। तो एक जो बैलेंस का कार्ड आया था उसमें भी चैरिटी मतलब आप अगर दान पे विश्वास करते हैं और दान करते हैं तो आपके इमोशनल लॉस पे वगैरह बहुत ही फर्क पड़ता है, तो वो आप जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप कर सके तो दान जरूर कीजिए। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो, होने दीजिए जो होना है, आप अपने इसमें पकड़ के रखते हैं, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत ही चीज़ें आपके हक में फॉल होने की प्रोसेस में है शायद, लेकिन आपको वो चीज़ों के लिए रेडी होना है, बस उतना ही मेरा कहना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके सपने जो भी हैं प्रैक्टिकल प्लान मतलब फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि दुनिया पैसे के ऊपर तो चल रही है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। तो फाइनेंसेस वगैरह सब चीज़ें हैं, सपोज को अपनी खुद की ग्रूमिंग हर चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, जैसे मैंने कहा कि इनसिक्योरिटी जो बढ़ रही है कुछ भी है ना, कि इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं, मतलब बहुत ही इमोशनल और
बहुत ही इमोशनल उथल पुथल चल रही है, तो वो इमोशंस मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपके लिए, ऐसा डेस्परेशन हो रहा है, तो हो सकता है ये आपके सेल्फ लव या सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से हो। तो प्लीज़ ऐसे ही एनर्जी में रहिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद को ही अपने हाई वाइब्रेशंस में लाइए। तो देखते हैं आज मैसेजेस के थ्रू। चेहरे पे तो नकाब पहना हुआ दिख रहा है, कुछ बोलने के कगार में नहीं है, तो देखते हैं कि मैसेज के थ्रू क्या कहना चाहेंगे। प्लानिंग, जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग चल रही है कि आपके पास कैसे आया जाए। यू नो मी बेटर, वो कहना चाहते हैं कि आप ही उनको अच्छे से समझते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मैंने कहा ना फाइनेंसेस के बहुत प्रॉब्लम है, लॉसेस चल रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, वो आपको खुश देखना चाहते हैं अभी। आई एम जेलस, पता नहीं आपने कौन सी डीपी डाली है, क्या पोस्ट डाला है, तो जेलस फील कर रहे हैं। आई एम कमिंग टू यू, देखा आपने मैसेज, मैंने कहा कि इनसिक्योरिटी डेस्परेशन इतना बढ़ रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, मैं रातों को स्लो नहीं पा रहा हूँ। आई एम स्टक, मैं फंसा हुआ हूँ, जैसे विक्टिम का कार्ड आया था। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ, योर्स ओनली। स्टॉकिंग यू, आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखे कि आप कहाँ सोशल मीडिया पे या ओवरऑल पूरी तरह नज़र बनाए रखे, क्या कर रहे, क्या है, क्या नहीं सिचुएशन। यू आर माई एंजल, आपको एंजल समझ रहे हैं। कंपैटिबल, आपको परफेक्ट समझते हैं आपके लिए उनके लिए। फियर ऑफ लूजिंग यू, जैसे मैंने कहा ना इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है कि आपको खोने का डर बहुत ही हावी हो रहा है। अट्रैक्शन, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, परसेप्शन चेंज हो रहा है। तो ये थी रीडिंग आज की, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसी रीडिंग और देखने मिले और उन लोग तक पहुँचे कि जो रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपडेट देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, शायद वो उनकी तक पहुँचे और उनको अपनी लाइफ में कुछ सॉल्यूशंस मिले। तो होप फॉर द बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग।